खबर मिर्जापुर से है, जहां दिनांक 25 मार्च 2023 शनिवार चैत्र नवरात्र चतुर्थी मां विंध्यवासिनी देवी मां के दरबार में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद श्री प्रमोद तिवारी। सांसद उपनेता राज्यसभा एवं सदस्य स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है कि मैं ब्रजवासी के दरबार में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं। उनके चरणों में बैठकर दर्शन करके उनकी आशीष सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी राहुल अध्यक्ष जी को सदस्यता खत्म होने पर क्या कहना चाहते हैं? गलत हुआ है, कानून के विरुद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने दोषपूर्ण निर्णय एक गलत दफ्तर के ले लिए हैं। अपील में जैसे जाएगा ये ठहरेगा नहीं, खासतौर से जुरिडिक्शन के मामले में, सेंटेंस के मामले में, और जैसे 2 साल से 1 घंटे भी कम होगा ये सजा अपने आप सदस्यता समाप्त का निर्णय। इसके विषय में कांग्रेस पार्टी आप माँ विंध्यवासिनी से क्या कहें? माँ विंध्यवासिनी के चरणों में कहूँगा, तुम देख रही हो, माँ देखो मत, शक्ति का प्रयोग करो। कलयुग में जो लोग तानाशाही ला रहे हो, उन तानाशाही वालों के खिलाफ अपना आत्मक रूप दिखाओ। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर मिर्जापुर से है, जहां नमामि गंगे विंध्यवासिनी देवी धाम द गंगा घाट पर 25 मार्च 2023 चैत्र नवरात्र के गंगा स्वच्छता अभियान के तहत जनता को जागरूक करते हुए आम जनमानस को स्वच्छ गंगा, विरल गंगा, सर्व पाप मिटाने वाली मां गंगा को हमेशा स्वच्छता का एक संदेश देने के लिए एक अधिकारी मिर्जापुर वन विभाग के रेंजर आर के मिश्रा, साथ में नमामि गंगे के मिर्जापुर अधिकारी ऋतिक सिंह एवं आदिनाथ तिवारी अपने साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का जन संदेश दिया एवं मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। नमामि गंगे के तहत केंद्र सरकार की चलाई हुई योजनाओं के तहत विंध्य कॉरिडोर विंध्य क्षेत्र में चैत्र नवरात्र में पुष्प मंडा की तिथि पे आज हमारे नमामि गंगे के सारे कर्मचारी अधिकारी आज गंगा के तट पे डटे हुए हैं और स्वच्छता अभियान के तहत जनता को जागरूक करते हुए यहां पर हमारे साथ जिला के अधिकारी, आप अपना शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम ऋतिक राज सिंह है, मैं जिला गंगा समिति में जीआरएफ के पद पर नियुक्त हूँ और हम यहाँ पर गंगा स्वच्छता अभियान के तहत जनमानस में यह सूचना फैला रहे हैं कि गंगा में प्लास्टिक का उपयोग ना करें, यहाँ पर नहाते वक्त साबुन व डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें तथा जितना हो सके यहाँ पर स्वच्छ माहौल बनाए रखें, जिससे हमारी माँ गंगा साफ सुथरा रहे और प्रदूषण मुक्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? गंगा 16-31 मार्च तक गंगा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम, गोष्ठी, रैलियाँ और स्टॉल, इस नवरात्र मेले में हम लोगों ने स्टॉल भी लगाया हुआ है तो, और इससे ये चीज़ें करके हम लोग जनमानस के गंगा माँ के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ बनाएं और इसमें कचरा गंदगी न करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गंग सकल मुझे मंगल बोला सभ्य करे। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।